क्या हुआ भाई? ओह क्या हुआ, गुस्सा क्यों है भाई? यू एंग्री मैन? ये सुसाइड करने जा रहा था गुस्से में, बोल रहा मैं जाऊंगा नहीं, यहीं से कूद जाऊंगा, जा घर चले जा आराम से। तो जो लोग रेगुलर आते हैं उनको तो पता है यहाँ का रास्ता, इनको जो पहली बार आएगी वो पूछ लेना किसी से भी। रास्ते यहाँ के मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी जानकारी ले लेना बेहतर है। अभी तो चढ़ना शुरू हुआ है, अब देखते हैं कितने घंटे में पहुँचते हैं। मैं टाइम देख लेता हूँ, 12 नहीं उसका टाइम सेट नहीं है शायद, 10:09 हो रहे हैं और हमने चढ़ना शुरू कर दिया, देखते कब तक पहुँचते ऊपर। अच्छा ये 2.5 दिन का झुकड़ा है ना, ओह सॉरी यार हम ताड़ागर समझ रहे थे इसको, तो सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। ये 2.5 दिन की झोपड़ी है, काफ़ी लोगों को पता है ये जितना कुछ बना ये 2.5 दिन में ही बना था, तो इसका नाम 2.5 दिन की झोपड़ी रखा गया, फिर उसी नाम से रह गया ये कि 2.5 दिन की झोपड़ी। ये जितना कुछ बना है ना ये सब ये 2.5 दिन में ही बना था, तो इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन की झोपड़ी है। पेड़ का इतिहास कुछ इस तरह से बताते हैं लोग कि हम अभी थोड़ा चढ़े, अभी तो उस पहाड़ के ऊपर, उससे भी और आउटसाइड में जाना है, बच गए, अभी तो इतना चढ़ के आए। हाँ भाई चढ़ाई, हमें चढ़ना है वहाँ। Noise that keeps me up at night, I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. Guys, एक सबसे जरूरी चीज ये आपको सामने दिख रहा होगा, दरबार मीठा नीम वाले बाबा। ये जो नीम का पेड़ है 800 साल से भी पुराना है, यहाँ बताया जा रहा है माइक में, और यहाँ इस नीम का पत्ता मीठा होता है, ये 800 साल से मीठा ही अभी तक, तो ये अभी तक है। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ मिलता है देखने को। ये गन्ने का जूस ऊपर में, अगर आप ताड़ागढ़ पर चढ़ते हो तो यहाँ के रास्ते कुछ इस तरह के हैं, और पानी वानी का टेंशन नहीं लेना कोई भी आओ तो, क्योंकि ऊपर हर जगह पे आपको पानी मिलते रहेंगे। और एक स्कैम बताऊं, एक स्कैम बताता हूं मैं आप लोग को। अरे रे बहुत ही खतरनाक सीन है। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ का ये कि हर जगह बैठने को मिल जा रहा है, सामने भी दिख रहा होगा रेस्ट करने के लिए, और इतना स्लिप है इसमें कि भाई सीधा चढ़ना मुश्किल है, मेरे को जिगजैग पोजीशन में चढ़ना पड़ रहा है। हाँ यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो, कोई मना नहीं, किसी भी शॉप के बाहर बैठ सकते हो आप आराम से। हाँ वो रहे बाकी साथ के, बाकी हमारा साथी ऊपर जा चुके, मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितना थक चुका हूँ ऊपर चढ़ने में। ये रहा जैनल, यह तो ये सारे लोग थक चुके, हालत देखो इन लोगों की, ये देखो बहुत थक गए, थोड़ा रुक जाते हैं फिर पियेंगे। तो इस चढ़ाई की लेंथ लगभग है 9 किलोमीटर, आप समझ लो 9 किलोमीटर कितनी देर में चढ़ा जाएगा। मैंने गूगल मैप पे देखा था तो 2 घंटे 7 मिनट कुछ थे, और बाकी चढ़ रहे हैं। और क्या हुआ भाई? ओह क्या हुआ, गुस्सा क्यों है भाई? यू एंग्री मैन?
वापस चले जाओ। ये सुसाइड करने जा रहा था गुस्से में, बोल रहा मैं जाऊंगा नहीं, यहीं से कूद जाऊंगा, जा घर चले जा आराम से। वापस चला गया, वापस चला गया, देख के वापस हो गया। बोला मैं तो फांसी लगा लूंगा। और यहाँ से उतरने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, उतरना तो बहुत पहाड़ है, यहाँ से उतरना बहुत ही मुश्किल। ओ माय गॉड, ओ शिट, ये क्या? अरे अभी तो नजारा ये कुछ भी नहीं है, इससे आगे और भी बहुत कुछ है। अभी तो ऊपर चढ़ने दो, फिर दिखाता हूँ पूरा अजमेर शरीफ ऊपर से। ये वीडियो स्किप मत करना, बहुत अमेजिंग है। घोड़े का घुटना है, घुटने पे लगा लो, यही जादू का पत्थर है नमाज के टाइम जो गिराया था। हाँ, पपैया नहीं, तरबूज है, ककड़ी है, चना, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ऊपर मिल जाती है, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, ऊपर मिलता है सब कुछ। ये रहे दुकान वाले और यहाँ बैठे हुए सब। यहाँ से जूम करता हूँ, वो थोड़ा सा आना सागर दिख रहा है, बाकी ऊपर से दिखाऊंगा बाकी। और चाहिए, अभी तो पहुँचे नहीं है। ये अब जो आप लोग देख रहे हैं ये है आना सागर, और ये पूरा शहर दिखेगा आपको। ये आना सागर दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ ये, और ये वाइट वाइट जो है ना, ये घर है, ये सारे पूरी पूरा अजमेर शरीफ का ये पूरा शहर है, पूरा शहर दिख रहा है ये। और ये आना सागर है, और पहाड़ देख सकते हो, जहाँ तक देखोगे वहाँ तक पहाड़ दिखेगा। और यहाँ का कुछ व्यू है ऐसा, यहाँ का ऐसा कुछ व्यू है। वाना सागर है सामने। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं दरगाह पे, और ये यहाँ पे भी जिस तरह से अजमेर शरीफ में अपने देखा था कि वहाँ पे डेक थे, आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये डेग है, और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक दो तीन डेग देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आपको चप्पल उप्पल उतारने हैं, चप्पल शूज़ जो भी आपको यहाँ जमा करना है, फिर आप अंदर जाओगे। मैं शूज़ वूज़ जमा कर देता हूँ फिर। तो हम आ चुके हैं दरगाह के अंदर, हो सके मेरी आवाज़ थोड़ी कम है इस वीडियो में, क्योंकि दरगाह के अंदर है तो ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर सकते, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं साउंड कोशिश करूँगा कि अच्छी मिले। और ये रहा दरगाह पीछे, देखते हैं अंदर कैमरा लोड होगा तो उसको दिखाता हूँ अंदर का सीन। बाकी हम लोग सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ हमें बनाना है वजू, यहाँ पर सब वजू बनाने के लिए खड़े, दिखाते हैं बाकी, वीडियो में बने रहे। तो वजू बनाने के बाद ये मस्जिद है, अभी जुमा का टाइम होने वाला है तो यहाँ पे जुमा पढ़ेंगे, और बाकी लेते भी औलाद वाला फल, औलाद के लिए झाड़ है जिसको नहीं होता है जिन लोगों को औलाद। एटलीस्ट अभी तक तो यहाँ आ गए, देखते हैं आगे क्या सीन है। आना भी कैमरा लाउड पूछ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। दरगाह के बाहर एक ये है, यहाँ पे एक कॉइन चिपकाते हैं, मतलब मन्नत पूरा होने वाला होता है तो इसमें चिपक जाता है, नहीं तो नहीं चिपकता है, फिर दुआ करनी पड़ती है तो उसे कुछ भला हो जाए, जिसकी दुआ कबूल नहीं होने वाली उसके लिए फिर दुआ की जाती है कि उसकी गलतियों को माफ़ करें और दुआ करें। ये मीनार है, ये छोटे बच्चे
अब यहाँ पे आओगे तो ये छोटे बच्चे मिलेंगे, ये लोग आपके लिए दुआ करेंगे। ये यहाँ पे गाइड है, ये लोग आपको दुआ भी करेंगे आपके लिए और कॉइन भी चिपकाते हैं। तो ये दरगाह का सीन है, हजरत मीरा सैयद हुसैन साहब का दरगाह है ये। और ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ का इतिहास कुछ इस तरह है, बताने वाले बताते हैं। इस पेड़ का इतिहास कुछ इस तरह से बताते हैं लोग कि मतलब जिसको भी औलाद नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो इस पेड़ के 2-3 फल देते हैं लोग, उस फल को आप खाओ तो होता है डेफिनेटली। क्योंकि और मस्जिद तो मैंने दिखा ही दिया था, अंदर से दिखा देते हैं, देखते हैं अंदर। यहाँ हर जगह कैमरे का इशू है, तो आई थिंक मस्जिद में अलाउड है कि नहीं, अभी तो कोई है नहीं। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है पूरा। तो यहाँ हम जुमा पढ़ने वाले हैं अभी, तो मिलते हैं फिर जुमे के बाद, दिखाते हैं कि हम नीचे कैसे जाते हैं, नीचे जाने के वक्त क्या क्या हमको देखने को मिलता है। आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, अगर लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो हम लोग नीचे आ गए अब नमाज पढ़ने के बाद, और ये कुआं है, ये कुआं है। और यहाँ पे ऐसा कहना है यहाँ पे कि कान लगा के सुनो तो घोड़े की आवाज़ आती है इस दीवार में से, ऐसा लगता है कि घोड़े भाग रहे हों। आ रहा है आवाज, आता है सुनाई दे रही है, मैं भी सुन के देखता हूँ। आई विल ट्राई, पकड़ ट्राई करता हूँ। वीडियो बनवाओ जल्दी, चलो लगा आवाज नहीं आता ना, आवाज ना आता है, मोगी आवाज है, पक्की आवाज। उनकी बातें जो है वो रियल नहीं है, जो भी बातें रियल है। मतलब इतना दौड़ने की आवाज नहीं आ रही है इसमें से, मतलब ऐसा आ रहा है मतलब घोड़े के मुंह की आवाज आ रही है, हाँ कभी कदमों की आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं कि भाग रहा हो लगातार, ऐसा थोड़ी है। कभी मतलब आवाज़ के मुंह खोलते हैं ना तो उसकी आवाज़ आ रही है, एक कान बंद करके सुनो तो अच्छा खासा आवाज़ आ रहा है, एक कान बंद करके एक कान पूरा सटा देना अच्छा से, गैप ना रहे कान। तो ये टेस्ट सही निकला, घोड़े की आवाज़ आती है, मतलब इस तरह से नहीं आती कि घोड़ा लगातार भाग रहा हो, ऐसा लगता है कि उसने मुंह खोला, मतलब आवाज़ देते जैसे हर जानवर, वैसे घोड़े ने आवाज़ दिया हो, ऐसा आवाज़ था और कुछ कदमों की आवाज़ थे, सही है। और बाकी यहाँ के स्कैम के बारे में तो बता ही दिया था मैंने कि जो कुछ होता है यहाँ पे, आप यहाँ पीछे देख सकते हो, फोटोग्राफी भी अच्छी खासी होती है। आप यहाँ हो गए, ये DSLR से आप लोग फोटो वोटो भी खिंचा सकते हो। व्हाट्स द प्राइस मैन, हाउ मच? 30 रुपये, 30 रुपये एक फ़ोटो के लगते हैं, ऊँट पे बैठ के DSLR से फ़ोटो आपको हाथों हाथ मिल जाते हैं, अच्छा है। 30 रुपये कुछ ख़राब नहीं है, DSLR से दे रहा है, फ़ोटो निकाल के दे रहा है तो बुरा नहीं है। बाकी हमारा यहाँ तक का सफ़र अच्छा रहा, बाकी नीचे का दिखाते हैं। अभी एक और जगह बचा है आना सागर, वो भी दिखाता हूँ, लास्ट एक्सप्लोर करता हूँ आना सागर, उसके बाद फिर निकलते हैं फिर किसी नए सफ़र के लिए, फिर मिलते हैं किसी नई जगह नई वीडियो में। और इससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है उतरने में यहाँ से, चलो क्योंकि यहाँ से आप दौड़ के सब उतर रहे हैं।
क्योंकि आप ग्रेविटी के हिसाब से नीचे जा रहे हैं ना, तो ये आ रहे देखो दौड़ते हुए, ये फुल एनर्जी में। यहाँ से आना सागर दिख रहा है पूरा, और पूरा शहर दिख रहा है, पूरा ताल के जैसा है, ज्यादा नहीं ताल में तली ताल है, पूरा अजमेर शहर दिख रहा है। फैक्ट्री अपने फैक्ट्री ये थोड़ी है बाबा, ये है कि देखो तीनों के नीचे को सामने बननी सामने ही था। ये उतरने का मजा ही कुछ और है यहाँ से, और दुकानें मिलती है उतरने के वक्त भी, छोटे छोटे स्टॉल होते हैं यहाँ पे उतरने के टाइम, आपको भूख प्यास लगे कुछ तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा। मज़ा तो आ रहा है उतरने में, मैंने थोड़ा छोटा मोटा लगेज कैरी किया है तो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे कुछ खास नहीं है, एक डेढ़ किलो का वजन है, बाकी ठीक है। यहाँ पे फिर से फोटोग्राफी शॉप, ये यहाँ पे रियल घोड़ा है और डुप्लीकेट शेर लोग, डुप्लीकेट शेर लोग है, बाकी लोग सब यहाँ है, ये रहे सब। चला क्या? 50% आ चुके हैं, चलते और। हे गाइस, तो तुम्हारे भाई ने ले लिया है गॉगल्स, क्योंकि धूप बहुत लग रहा था और अच्छा मिल गया। इसका प्राइस बता दूं तो 80 रुपये में मिल गया, फ्रेम भी देख सकते हो आप, अच्छा है, साइड व्यू भी 80 रुपये में बहुत अच्छा मिल गया, तो मैंने ले लिया, क्योंकि इस जगह पे आके मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मिल गया तो अपना चलो अच्छी बात है, क्योंकि इतनी ऊपर आने के बाद ताड़ा करके पहाड़ के ऊपर आपको चीज़ें सस्ती मिले, ये एक्सपेक्टेशन से बहुत ही दूर है, लेकिन बस आप बार्गेनिंग अच्छा करते हो तो मिल सकता है, ये पूरा मैटर करता है आपके बार्गेनिंग पे, आप अच्छा बार्गेनिंग करते हो तो अच्छा मिलेगा, फिर आपके हिसाब से प्राइस हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर करते मिल जाता है। फिर मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा आना सागर दिख ही रहा होगा, अभी जब तक हम नीचे उतरेंगे जब तक पूरा पहाड़ आना सागर हमको दिखता ही रहेगा। तो अब हम लोग तीन लोग बचे, जैनुल, ये ताज, बाकी लोग जा चुके हैं नीचे, क्योंकि हम रुक गए थे गॉगल्स लेने के लिए, नीचे मिलते हैं सबसे इकट्ठे।